यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सिज़ोफ्रेनिया बीमारी का इलाज हेतु शारीरिक संबंध बनाने की सलाह देकर 9 लाख रुपए ऐंठने वाले बोगस डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। आज के जमाने में अपने कामकाज का प्रचार प्रसार करने हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब इन सब में सबसे आगे है और यूट्यूब वीडियो बनाकर हर कोई अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों के साथ लूट भी करते हैं। ऐसा ही एक मामला वसई तहसील के अनलाला क्षेत्र से सामने आया है, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर खुद के डॉक्टर होने का दावा कर मरीज से 9 लाख रुपए की लूट करने वाले एक व्यक्ति कैलाश मंत्री के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, कैलाश मंत्री खुद को साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बताता था, जो कि विरार पश्चिम के बोलिंग परिसर में स्थित आजिंग की तारा नामक बंगले में रहता है। यह आरोपी डॉक्टर यूट्यूब पर साइकोलॉजिस्ट कंटेंट चोरी करके खुद के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता था। हैदराबाद निवासी किरण कुमार वंगला की बेटी, जो कि सिज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रस्त थी, उनके पति ने कैलाश मंत्री का यूट्यूब चैनल देखकर संपर्क किया। तब बॉस डॉक्टर ने बिना किसी दवाई के 10 दिन में बीमारी ठीक करने का दावा किया, जिसके बदले कुल 9 लाख रुपए कुमार वंगला के परिवार से ऐंठ लिए। बाद में पीड़ित महिला को शारीरिक संबंध बनाने की सजा दे डाली, जिसके बाद पीड़िता के पिता को अपने साथ लूट और फसावट होने का आभास हुआ। तब उन्होंने अरनाला पुलिस थाने में उस बोगस डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत पर जांच करते हुए डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया, साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रिय ऐसे बोगस डॉक्टर से सावधान रहने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। हो सकता है सर, मैं डिप्रेशन और सिज़ोफ्रेनिया खाली बगैर दवाई के ठीक हो सकता है सर, मैं डिप्रेशन और सिज़ोफ्रेनिया से लास्ट 5 साल से गुजर रहा हूँ, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? गारंटी से ठीक हो सकते हो आप, और आपको प्रोग्रेस में मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम 1 महीने दिखा सकता हूँ। आपको मेरे पास ही आना है अगर आपको ठीक करना है। हम सिज़ोफ्रेनिया का प्रोग्रेस अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो 10 दिन में देते हैं, और थोड़ा माइल्ड अगर है तो हम लोग 5 दिन में इसकी प्रोग्रेस देते हैं। मेरा आदमी नाम है कैलाश मंत्री, और हम ये यूट्यूब में देखा कि 100% क्योर होता ओके सिज़ोफ्रेनिया डिसीज़, क्योंकि हमारा हमारा चिल्ड्रन अफेक्टिंग विद सिज़ोफ्रेनिया डिसीज़। सो यूट्यूब में देखा, हैदराबाद में ट्रीटमेंट ले रहे हैं MD सेक्रेटरिस्ट का। सो हम देखे ये यूट्यूब में देखा, इसका बहुत एडवर्टाइजमेंट है कि सिज़ोफ्रेनिया विल बी क्यूर्ड विदाउट मेडिकेशन 100% विद इन 10 to 20 डेज। तो यूट्यूब में देखे, हमको उसका असिस्टेंट को फ़ोन किया था, जो स्क्रोलिंग आता ना मोबाइल नंबर, उसको फ़ोन किया तो अपॉइंटमेंट ले लो, 5,000 भरने के बाद सर से अपॉइंटमेंट लेंगे। तो सर अपॉइंटमेंट लेने के बाद सर ने बोला कि 5 लाख 10 दिन का ट्रीटमेंट है, फिर अगर आफ्टर 4 डेज फिर बच्ची को वो दवाई भी बंद किया, ये दवाई भी बंद किया। सो बच्ची हमारा चिल्ड्रन का सिज़ोफ्रेनिया डिसीज़ बहुत बढ़ गया। मैं पूछा कैलाश मंत्री को, आपने क्या किया, दवाई भी बंद किया, तो आपका जो 4 डेज का कोर्स है आपको कुछ ट्रीटमेंट उससे अच्छा नहीं हुआ, तो इधर आओ 15 लाख को इधर अच्छा होता, इधर मेरा 100 एकड़ का लैंड है, बहुत बड़ा 10,000 बेडेड हॉस्पिटल है, इधर बहुत बहुत डॉक्टर है, 15 लाख का अच्छा होता 10-15 दिन में। सो हम इधर आ गए, तो वो उसका कुछ भी 100 एकड़ नहीं, कुछ भी नहीं है, एक भूत बंगला जैसा है। वो उधर आए तो हम डर गए, डर के हमारा दोस्त के घर आए थे। तो क्या देखा उधर, क्या क्या था? कोई भी नहीं, एक पेशेंट नहीं है। वो बोल रहे थे बहुत पेशेंट्स हैं, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक पेशेंट भी नहीं है। हम फैमिली देख के पूरा डर गया है। नेक्स्ट डे सर को पूछा कि एक पेशेंट भी नहीं है, आपका सर्टिफिकेट दिखाओ, उसका सर्टिफिकेट भी नहीं है। वो लड़के वगैरह थी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है, उसका ट्रेनर है, उसमें उधर ऑफिस में ट्रेनर है। बस हम तो वो ट्रेनर रहता है, वो डे मॉर्निंग से इवनिंग तक आता है। बस वो जो कुछ बोला है पूरा झूठ बोला है हमको, उसके हेल्थ के नाम से माइंड गेम खेल के पूरा इनोसेंट। इधर जब इधर आए बोले ना, इधर आए बोले तो हम एयरपोर्ट से उतरे, उतरने के बाद वो बोले कि 4 विस्की 5 विस्की बॉटल ला लो और बीर बाटल ला लो। हम परेशान हो गए। सोलंकी है और मैं किरण भाई के लिए हेल्प के लिए गया था, और मैंने कैलाश मंत्री का अपॉइंटमेंट भी लिया था उनके लिए, वो फ्रॉड कर रहा है ऐसा करके। तो उन्होंने मेरे को बताया कि क्या हुआ, तो मैंने उनको जाके बताया कि मैंने अपॉइंटमेंट लिया, तो मेरे से भी उन्होंने 7 लाख रुपया मांगा। और वहाँ पे जाके देखा, मेरे साथ में 2 पुलिस वाले भी मैं लेके गया था, तो पुलिस को उधर जा गया तो उसके लड़के ने पकड़ के मारा, पुलिस को भी मारा है, और पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर इधर पुलिस चौकी में सुबह 2 बजे से हम लोग आके
धक्का खा रहे हैं, मगर पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। उसके बाद में बोल रहे हैं हम लोग इंक्वायरी करेंगे, आपका पैसा मिले तो मिले, नहीं तो कुछ जवाबदारी हमारा नहीं है। 9 लाख रुपया वो बंदे से ले लिया उन्होंने। क्या कैसे हालत में थी वहाँ पे? उधर गए तो बहुत सारी लड़कियाँ थी, कम से कम 15-20 लड़कियाँ होगी, और सबके गले में लव बाइट, इधर लव बाइट सबको किया हुआ था, और सब अतरंगी लड़की थी, ऐसे कोई सिंपल लड़की एक भी नहीं थी वहाँ पे। ड्रग्स वगैरह भी शायद लेते हैं वो लोग। अच्छा, वो क्या बोलते हैं उसको, नाम बता, एमडी करके प्रोडक्ट्स आता, वो भी वो लोग शायद लेते हैं। उधर प्लेट पड़ा, हम लोग ने देखा था। और फिर हम लोग चौकी में आए तो चौकी में भी हम लोग को धक्का, 2 बजे से लेके आज अभी रात का 11:30 बज गया, हम लोग इधर चौकी में हैं, पुलिस वाले जवाब नहीं दिए, पुलिस वाला भी चला गया। एक पुलिस वाला है, उसका नाम है पवार करके पुलिस वाला है, इस चौकी का नाम है। क्या लगता है मतलब उधर लड़कियों से कैसे बर्ताव किया जाता था, क्या व्यवहार? लड़कियों को फिर हम लोग ने पूछा कि तुम लोग क्या करते, तो एक लड़की बोलती है हम लोग आज ही जॉब पे आई हूँ मैं तो पहली बार, मगर वो उधर देख के लग रहा था। और आजू बाजू में रहने वाले 2-3 लोगों ने बोला कि इधर सब गलत होता है, नंगी लड़कियाँ खड़ी रहती है बालकनी में, शॉर्ट्स पहन के खड़ी रहती है, स्मोकिंग करती है, ड्रग्स लेती है, फिर वो अपना गांजा पीती है, ऐसा सब बताया उन्होंने। वरती कारवाई करण्यात आलेली आहे, त्याने फसवणूक केली होती गिरायकांची, काय संपूर्ण घटना काय माहिती आहे? आपल्याकडे तक्रारदार आहे किरण कुमार वंगला म्हणून, वय वर्ष 47, हे हैदराबादमध्ये बी फार्मसी कॉलेजमध्ये प्रिन्सिपल आहे। त्यांची मुलगी स्किझोफ्रेनिया या आजाराने ग्रस्त होती, तिच्या MD सायकॅट्रिस्टकडे हैदराबादमध्ये ट्रीटमेंट चालू होती, परंतु त्यांच्या वाईफने यूट्यूबवर कैलास मंत्री यांचा व्हिडिओ बघितला आणि त्याने त्यामध्ये दावा केला आहे की 10 दिवसात मी स्किझोफ्रेनियाच्या पेशंटला बरं करू शकतो। त्या अनुषंगाने त्याने त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि प्रत्येक शेड्यूल 10 दिवसाच्या शेड्यूलचे त्याने 5,90,000 अशा पद्धतीने पैशाची मागणी केली आणि ती ऑनलाईन पेमेंट त्याने केली। 4 दिवसाच्या शेड्यूलमध्येच त्यांचं काही समाधान झालं नाही म्हणून त्याने तक्रार केली। त्याने समोरून सांगितलं की बाबा तुमचं मी समक्ष काउन्सिलिंग करतो आणि काउन्सिलिंग करून हा आजार मी बरा करून दाखवतो, त्याप्रमाणे तुम्ही मुंबईला आहे, तर मुंबईला ते एअरपोर्टला आले, ह्याने त्यांच्यासाठी गाडी पाठवली। येताना त्याने त्यांच्याकडे मागणी केली की ड्युटी फ्रीमधून 5 व्हिस्की आणि 10 बिअरच्या बॉटल घेऊन या, आणि प्रवासादरम्यान एअरपोर्ट टू विरार प्रवासादरम्यान त्याने 3 लाख रुपये आणखीन त्यांच्या ड्रायव्हरला घ्यायला सांगितले, अशा पद्धतीने 9 लाख रुपये घेतलेले आहेत त्याने। आणि इथे आल्यानंतर त्याने कन्सल्टन्सीला, त्याच्या क्लिनिकला लाईन ऑफ ट्रीटमेंट सांगितली, त्यामध्ये मुलीला मजा करावी लागेल, तिला दारू प्यावी लागेल, तिला बॉयफ्रेंड पटवावे लागतील, अशा पद्धतीचं त्याने लाईन ऑफ ट्रीटमेंट सांगितली, तर ती फिर्यादीला पटली नाही, त्यामुळे त्याने आमच्याकडे अप्रोच झाला पोलीस स्टेशनला। आम्ही त्या बाबतीत शहानिशा करण्यासाठी त्यांना बोलवलं, त्यांच्या इथे व्हिजिट केली, त्याने त्यामध्ये ऑनलाईन व्हर्च्युअल त्याने एक कोर्स केलेला आहे US युनिव्हर्सिटीचा आणि त्याचं त्याच्याकडे ऑनरेरी डॉक्टरेट असं सर्टिफिकेट त्याने दाखवलं आम्हाला। आणि त्याच्यामध्ये समोरच्याचं हे जे काही त्याचं त्याच्याकडे प्रॅक्टिस करण्याचं काही नसल्यामुळे फक्त ऑनररी ह्या व्हर्च्युअल ह्याच्यावर त्याने कन्सल्टन्सी करून फिर्यादीचं असं म्हणणं आहे की बाबा ह्याच्याकडे कुठलंच हे नाही आहे आणि त्याने आमची फसवणूक केली आहे, त्याप्रमाणे आपल्याकडे 420 प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि आम्ही त्याचे सर्टिफिकेट तपासणी कर। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।